आज हम लोग देखेंगे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ऑफ बायोलॉजी इन एसएससी जेई। ओके, जो अभी एग्जाम चल रहे हैं सीएचएल, ठीक, तो इन सब एग्जाम के लिए देखिए। तो ये मतलब प्रीवियस ईयर के ट्रेंड पे, ओके, मतलब प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चंस आए हैं, ठीक, उस हिसाब से ये कुछ एक क्वेश्चंस हैं बायोलॉजी के, ठीक। तो ओके, जब तक एसएससी जेई का एग्जाम नहीं हो रहा है, जो हमारे पास 10 दिन शायद वो बचे हुए हैं, तो उसके हिसाब से हम लोग अब मतलब डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक के मोस्ट से आते रहेंगे, ओके। और करंट अफेयर्स तो आपकी चली रही है, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं। तो स्टडी ऑफ टीथ को क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं ओडोंटोलॉजी। स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एंटोमोलॉजी। स्टडी ऑफ बर्ड्स को क्या बोलते हैं, ओर्निथोलॉजी। आपको साइंटिफिक नेम है, तो मैन का साइंटिफिक नेम है होमोसेपियंस, मैंगो का है मैग्नीफेरा इंडिका, और काऊ का है बॉस इंडिकस, और पी का है पिसम सैटवम। इसके बाद मस्टर्ड का है ब्रैसिका कंपेस्ट्रिस, ठीक। तो ये थे कुछ स्टडी और फिर मतलब साइंटिफिक नेम। इसके बाद है लॉन्गेस्ट सेल कौन सी है, तो वो है न्यूरॉन, ठीक। जो स्मॉलेस्ट सेल है वो है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, ओके। जो सेल वर्ल्ड है वो सबसे पहले यूज किसने किया था, वो मतलब दिया था सेल वर्ल्ड, वो दिया था रॉबर्ट हुक ने, ओके। और जो सेल थ्योरी है वो किसने दी थी, वो दी थी शिल्डन और शिवान ने, ओके। इसके बाद पावर हाउस ऑफ द सेल किसको बोलते हैं, वो बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को, ओके। तो ये कुछ सेल के रिलेटेड थे। अब इसके बाद देखिए सुसाइडल बैग किसको बोलते हैं, वो उसको बोलते हैं लाइसोसोम को, ओके। राइबोसोम टेक पार्ट इन प्रोटीन सिंथेसिस, तो क्वेश्चन किस तरह से आएगा कि प्रोटीन सिंथेसिस में कौन मतलब कि कौन यूज होता है, ठीक। उसमें डिफरेंट डिफरेंट वो ऑप्शन दिए होंगे, तो उसमें वो राइबोसोम भी दिया होगा, तो आप राइबोसोम को चूज़ करेंगे, ओके। इसके बाद किचन ऑफ द सेल किसको बोलते हैं, ये बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट को, ओके। और क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर प्रोवाइड करते हैं प्लांट को, ओके। इसके बाद रेड कलर ऑफ टोमेटो किस वजह से होता है, वो होता है लाइकोपीन की वजह से। और येल्लो और ऑरेंज कलर किस वजह से होता है, वो होता है कैरोटीन, और इन्हीं को हम बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट, ठीक। जो क्लोरोप्लास्ट है वो ग्रीन कलर प्रोवाइड कर रहा है, और जो क्रोमोप्लास्ट्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट मतलब अदर कलर जो हैं वो प्रोवाइड कर रहे हैं प्लांट को, ओके। इसके बाद 16th है, इसके बाद ये 16th है, ल्यूकोप्लास्ट स्टोर्स द फूड इन फॉर्म ऑफ स्टार्च फैट एंड प्रोटीन, ठीक। तो जो ल्यूकोप्लास्ट होता है वो जो फूड को स्टार्च फैट और प्रोटीन के रूप में स्टोर करता है। इसके बाद कंट्रोल रूम ऑफ सेल किसको बोलते हैं, वो बोलते हैं न्यूक्लियस को, ओके। इसके बाद आते हैं नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्रोमोसोम पेयर। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है मतलब कि कुछ भी मतलब कि ह्यूमन फ्रॉग, ठीक, इस तरह से वो दे देगा क्वेश्चन और उनके क्रोमोसोम पूछ लेगा या फिर क्रोमोसोम पेयर, ठीक। तो पिजन के क्रोमोसोम वो पेयर कितने हैं, वो हैं 40। अगर आपसे सिर्फ क्रोमोसोम पूछे तो इसके डबल कर दीजिएगा, ठीक, तो 80 हो जाएंगे। ह्यूमन के क्रोमोसोम पेयर 23, फ्रॉग के हैं 13, हॉर्स के हैं 32 और डॉग के हैं 39। इसमें आप लोग क्वेश्चन कायदे से पढ़िएगा, उसने क्रोमोसोम्स पूछे हैं या फिर क्रोमोसोम पेयर, ठीक। इसके बाद 19th है डीएनए स्ट्रक्चरल मॉडल, किसने दिया था, ये दिया था वॉटसन एंड क्रिक ने। इसके बाद फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको बोलते हैं, वो बोलते हैं ग्रेगर जोहान मेंडल को। इसके बाद लिचन्स आर द एसोसिएशन ऑफ एलगी एंड फंगी, ओके। 22nd है वायरस को डिस्कवर किया था इवानोवस्की ने, ठीक। तो वायरस से कुछ डिसीज़, तो उनके नाम देख लेते हैं, मम्स है, चिकन बॉक्स है, पोलियो है, एड्स है, हर्प्स है, हेपेटाइटिस है, ठीक। तो ये कुछ वायरस से डिसीजेज हैं, ठीक। इसके बाद बैक्टीरिया को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था, वो किया था लीवेन हुक। तो इसमें क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, इसमें देखिए वो मैचिंग भी दे सकता है, वायरस दे देगा, बैक्टीरिया दे देगा, तो इस तरह से वो 4-5 दे देगा और दूसरी साइड में लिख देगा उनके मतलब कि जिन्होंने उसको डिस्कवर किया है, तो आपको मैच कराना होगा, ठीक। इस तरह से दे हो सकता है, या फिर सीधे सीधे क्वेश्चन पूछेगा कि बैक्टीरिया को किसने डिस्कवर किया, वायरस को किसने डिस्कवर किया, ठीक। तो बैक्टीरिया को किसने किया डिस्कवर, वो किया लीवेन हुक ने, ठीक। और वैक्सीन ऑफ रेबीज को किसने डिस्कवर किया, वो किया लुईस पाश्चर ने, ठीक। इसके बाद 26th है स्टडी ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स एंड फीचर्स ऑफ प्लांट्स, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मोर्फोलॉजी। और जो फॉल्स फ्रूट्स हैं वो हैं एप्पल, जैक फ्रूट, पियर, ओके।
और जो फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट होता है वो कहाँ से होता है, ओवरी से, ठीक। और ये फाल्स फ्रूट इसीलिए हैं कि इनका जो फॉर्मेशन होता है वो ओवरी से नहीं होता, इसीलिए हम लोग इनको फाल्स फ्रूट्स बोलते हैं, ओके। तो इसके बाद जाइलम हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, ठीक। तो जो जाइलम होता है वो वाटर को प्लांट्स के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में पहुंचाने का काम करता है, ठीक, लीव्स में, स्टेम्स में, ठीक। इसके बाद फ्लोएम है, तो फ्लोएम का काम क्या होता है, इसको यूज करा जाता है ट्रांसपोर्ट सॉल्युबल ऑर्गेनिक कंपाउंड टू डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट्स, ठीक। जाइलम वाटर को कर रहा था और फ्लोएम किसको कर रहा है, सॉल्युबल ऑर्गेनिक कंपाउंड को, ठीक। इसके बाद 31st है, ट्रांसपिरेशन इज अ प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ प्लांट, ठीक। जो ट्रांसपिरेशन होता है वो प्रोसेस होता है कि लॉस ऑफ वाटर, ठीक, प्लांट से, उस प्रोसेस का नाम है ट्रांसपिरेशन, ठीक। तो ये कोई एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस थे बायोलॉजी के। तो इसी तरह से अभी मतलब ये नहीं कि मतलब बायोलॉजी का यही एक ही पार्ट आएगा, इसका दूसरा पार्ट भी वो आएगा और मतलब डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक से भी क्वेश्चंस आएंगे, ओके। तो थैंक यू गाइस एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।